दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती ही नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया, जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा
जाते हैं और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में जिसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जो लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा
लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना। संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने
आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया, और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है, और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है, और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है, और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा, और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया, और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था, और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है, और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है, और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी, और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया, और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया, और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया, और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे, और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था, और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया, और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है, और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है, और इसमें इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं, और अनुपमा जो कि अनु के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है, और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है।
तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने। तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। और फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की। तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं। तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वह अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है लेकिन
उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वो वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली में, ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू
को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहाँ दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अनु के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया। तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो वैसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे
संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वह अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद
जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूं कि जहां संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहां अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया, और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है, और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है, और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है, और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा, और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है, और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है, और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया, जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया, जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था, और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है, और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है, आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो।
दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो
अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा
लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना। संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहना जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया, जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अनु के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने
अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर
पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वॉरी बोलता है, और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जो लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया, और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है, और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है, और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है, और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा, और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया, और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है, और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहना जाता है, और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी, और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया, और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया, और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया, और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे, और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था, और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया, और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वो वहीं जाओ, वहीं
अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया। तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटते ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में, लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू
को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहाँ दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाई देता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है। इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया। तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे
संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ, ये वो मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, वह बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वह अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँच होता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद
जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की। तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं। तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया। लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो।
दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने। तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट बुक की। उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है। इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना। आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की। तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं। तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया। लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा। लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहाँ दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा
जाते हैं और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में है, जिसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा
था। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा। लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में, आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अनु के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया। तो
उनके पापा ने, यानी कि जो अनु के पापा होते हैं, वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है। और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया। लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा। और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण, जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं, और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर
पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पहुंच के रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वॉरी बोलता है, और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जो लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया, और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है, और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है, और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है, और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा, और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया, और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है, और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है, और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी, और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया, और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया, और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया, और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे, और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था, और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया, और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वो वहीं जाओ, वहीं
अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वह मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसा वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू
को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिनिश के बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है। इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जो लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया। तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया। लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो
अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा। और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा। लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं, मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी। लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया, जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था। और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँच होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है, जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था। और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था। तब दोस्तों अनु ने
आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटते ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में जिसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है।
तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने। तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। और फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वह अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोल
बोलते हैं अन्नू से शादी करेगा तो संजू ने कि अन्नू की शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अन्नू की शादी नहीं हुई है, तुम अन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वो वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली में, ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको राम चरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ
प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पर होता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो वैसा ये वो, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है और जहाँ
संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो। लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वह संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वह बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वह बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है, संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुँचता है, लेकिन दोस्तों जहाँ संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी
बेटी होती है जो मकान मालिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही, बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वॉरी बोलता है, और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज, वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था, लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था, और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया, और जो अनु के पापा होते हैं वह संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वह संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे वो कुछ संजू बोलता है। और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है, और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है, और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है, और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं, और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा, और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया, और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं, उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था, और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है, और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है, और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है, और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी। और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया, और अनु को भी संजू से प्यार हो गया, जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया, और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया, और अनु ने भी भगाने के लिए 2 टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया, क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो अनु के पापा थे, और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया, जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था, और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया, और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला अनु की शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है, और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है, आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो।
दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है दमदार खिलाड़ी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली में ये एक लव स्टोरी मूवी है और इसमें इसके अंदर आपको रामचरण जो कि संजू के नाम से इस मूवी के अंदर रोल करते हैं और अनुपमा जो कि अन्नू के नाम से इस मूवी के अंदर हीरोइन की रोल करते हैं। सबसे पहले यार मूवी शुरू होता है और गाँव का सीन दिखाया जाता है। संजू यानी कि जो हीरो होता है वो एक छोटे से गाँव का होता है और दूसरी तरफ जो हीरोइन होती है वो मतलब शहर की होती है। तो जो संजू की माँ होती है वो चाहती है कि संजू उसका बेटा इंजीनियर बने, तो संजू इंजीनियर बनने के लिए जाता है शहर। शहर जाने के लिए उसने ट्रेन की एक टिकट, लेकिन उसी ट्रेन की डिब्बे में संजू के पास एक लड़की होती है और वो लड़की गांव वाले लड़कों को उल्टा सीधा बोलती है, इसीलिए संजू को गुस्सा आ जाता है और संजू उस लड़की से यानी कि हीरोइन से बदला लेने के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन में तंग करता है। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और संजू शहर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों जहां संजू शहर पर उसके रहने वाला होता है जिसके घर में वह हीरोइन यानी कि अनु उसकी बेटी होती है जो मकान मालिक होता है, तो उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ वैसे ही। बहुत ही मतलब मस्त मूवी है, आप ज़रूर देखना, आपको आदित्य मूवी पर ये मूवी मिल जाएगी। उसके बाद होता है तो संजू सॉरी वारी बोलता है और फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है यानी कि जो अनुपमा होती है उससे संजू दोस्ती कर लेता है। उसके बाद बता दूँ कि जहाँ संजू का होता है इंजीनियर कॉलेज वहाँ अनु का भी होता है कॉलेज उससे कुछ दूर की, तो संजू इसको रोज ड्रॉप करता था लेकिन उसके बाद संजू ने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास में संजू के एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम रितु था और उसके बाद दोस्तों उसको बात करते करते ये दोनों लोग गए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन संजू के पास पैसा नहीं था, तब दोस्तों अनु ने आके उसको पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब आप जरूर। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों संजू को अनु से प्यार हो गया और जो अनु के पापा होते हैं वो संजू के फ्रेंड होते हैं, तो संजू ने अनु से बता दिया, तो उनके पापा ने यानी कि जो अनु के पापा होते हैं वो संजू को मना करते हैं कि मत करो ऐसा ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन संजू बोलता है कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे में कुछ संजू बोलता है और धीरे धीरे मूवी आगे जाती है। और जहाँ संजू अनु को पटाने की बहुत बार ट्राई करता है लेकिन अनु पटने वाली नहीं होती है, मतलब अनु पटती ही नहीं है और संजू बहुत ट्राई करता है, संजू थक हार जाता है। उसके बाद दोस्तों मूवी को आगे दिखाया जाता है और अनु को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कुछ लड़के फेसबुक पर गंदे गंदे मैसेज करते हैं, तो संजू उन सबको मारता है। उसके बाद जो अनु के पापा होते हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए एक मतलब लड़का खोजा था जो कि उससे संजू मिलने गया, लेकिन दोस्तों संजू तो अनु से प्यार करता था, इसीलिए जो संजू होता है वह दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ ये वो, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन जो अनु के पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो अनु के लिए अच्छा है, वो अच्छी नौकरी करता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों संजू को अनु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं छोड़ा और अंतिम में संजू ने फैसला किया कि मैं अनु को प्रपोज करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही संजू ने अनु को प्रपोज किया, अनु ने संजू का जो प्रपोज है वह कर दिया। उसके बाद दोस्तों अनु ने बोला कि हम लोग बस एक फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद मूवी को आगे दिखाया गया और संजू बहुत दुखी दिखा, लेकिन दोस्तों संजू ने हार नहीं माना, संजू ने अभी भी अनु को पटाने की ट्राई किया। और उसके बाद जो विश्वनाथ होते हैं मतलब जो अनु के पापा होते हैं उनका बर्थडे भी आ जाता है, तो उनको सरप्राइज देने के लिए अनु ने कुछ प्लान किया था और संजू कुछ और समझा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ हो जाता है और अनु की शादी का जो रिंग होता है वो संजू को पहनाया जाता है और संजू के हाथ में से वो मतलब जो रिंग होती है वो निकलती नहीं है। और देखते ही देखते उसके बाद मूवी अंतिम तक आ गई थी और अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में ये हुआ कि संजू को भी अनु से प्यार हो गया और अनु को भी संजू से प्यार हो गया। जहां दोस्तों इस बार अनु ने संजू को प्रपोज किया और संजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, संजू बोल रहा था कि मजाक मत करो, लेकिन अनु बोल रही थी कि मेरे को कहीं भगा ले जाओ ये वो, लेकिन देखते ही देखते ये मूवी अंतिम तक आ गया और अनु ने भी भगाने के लिए दो टिकट बुक कर ली थी, लेकिन दोस्तों अंतिम समय पर संजू ने अनु को नहीं भगाया क्योंकि जो विश्वनाथ अंकल थे वो
अनु के पापा थे और विश्वनाथ अंकल संजू के दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए संजू ने अनु को नहीं भगाया और अकेले गांव चला गया। जहां दोस्तों दूसरी तरफ अनु की शादी हो रही थी, वहां एक तरफ संजू रो रहा था और इस तरह से मूवी दिखाया गया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद सीन को आगे दिखाया गया और उसके बाद जो विश्वनाथ अंकल है वो संजू से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लड़की से शादी करोगे, तो वो बोलता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद ये बोलता है अनु से शादी करोगे, तो संजू ने बोला कि अनु की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो विश्वनाथ है वो बोलते हैं कि नहीं, अनु की शादी नहीं हुई है, तुम अनु से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जहाँ पहले बार उसको मिले थे वहीं जाओ, वहीं अनु तुमसे मिलेगी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों का जो प्यार होता है वो आपस में मिल जाता है और इस तरह से एक बढ़िया और लव स्टोरी का मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी हुई, यहाँ दोस्तों एक अच्छी लव स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप इस मूवी को देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ये अच्छी मूवी है। आपको आदित्य मूवी पर ये आपको मूवी बिल्कुल फ्री में आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो।